आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे आर्टिस्ट एक तरफ और पवन सिंह अकेले। जी हाँ, हम इसलिए अकेले कह रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ से पवन सिंह के बड़े ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन पवन सिंह ने उन्हें उनके बर्थडे पर विश नहीं किया। कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले मनोज तिवारी का बर्थडे आता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इंस्टा और फेसबुक दोनों से पवन सिंह मनोज तिवारी को जमकर बधाई देते हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए नहीं। ये भी कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के जन्मदिन पर पवन सिंह जाएं और उनके सेट पर उनसे मिले, अपने सारे गिले शिकवे भूले, लेकिन ये भी नहीं हुआ। जी हाँ, बहुत बहुत कयास लगाए गए, सभी ने तरह तरह की न्यूज़ बनाई, सभी ये देखते रहे कि हो सकता है शाम तक एक पोज तो कर ही देंगे पवन सिंह, लेकिन पवन सिंह ने नहीं किया। आपको ये भी बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आम्रपाली पहुंची हुई थी, फिर काजल राघवानी और प्रदीप पांडे चिंटू भी पहुंचे, और प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बने अनंजय रघुराज भी पहुंचे। लेकिन अगर नहीं पहुंचे तो भोजपुरी के पावर स्टार, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव ने भी इन्हें बधाई दी और अपने इंस्टा और फेसबुक और साथ ही साथ फोन कर भी खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं दी। लेकिन अगर किसी ने नहीं दिया तो पवन सिंह। अब सभी कयास लगा रहे हैं, भाई ऐसा क्या हो गया। अभी तो कुछ रोज पहले यानी एकाध महीने पहले ही पवन सिंह के बर्थडे में दोनों भाई मिले थे और लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। क्या कहीं अक्षरा सिंह के साथ फिल्म साइन करने को लेकर ही तो ये सारा विवाद नहीं हुआ है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि अक्षरा के सिंह के साथ जिस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्में कर रहे हैं, उन्हें लेकर ये बात कही जा रही है कि ये सारी चीज़ें पवन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ एक बात और गौर कीजिए, भले ही दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली ने पवन सिंह को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अभी भी पवन सिंह को फॉलो कर रहे हैं। भले ही आम्रपाली और निरहुआ ने इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पवन सिंह सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने वर्चस्व का पंचम लहरा रहे हैं, वहाँ वहाँ से हर जगह से इन दोनों ने साथ में ही एक साथ ही पवन सिंह को अनफॉलो किया है, लेकिन हर जगह प्रवेश लाल यादव इन्हें फॉलो कर रहे हैं, पवन सिंह को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ उम्मीदें ज़रूर हैं। अदरवाइज पवन सिंह को अनफॉलो तो प्रवेश लाल यादव भी कर देते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।